Assalamu alaikum, dear student. My name is Mohammad Bira and I am your best teacher. In previous lecture, we have discussed about question exercise 3.8 of class math. इस लेक्चर में बेटा हम सीखेंगे एक्सरसाइज 3.8 का क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम सीखेंगे. इसको देखेंगे कि हाउ टू सॉल्व द इक्वेशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक एंड दिस आल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन. जब भी कोई भी क्वेश्चन हो आपके पास इस फॉर्म के अंदर हो और दूसरी क्वेश्चन इस फॉर्म के अंदर हो, तो उधर हमने करना क्या होगा, इसके फैक्टर लेने होंगे. दूसरी जो इक्वेशन है उसके हमने क्या लेने पड़ेंगे, फैक्टर. तो ये इक्वेशन वन, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन वन नाम देंगे. इक्वेशन वन नाम दे दिया तो, और दूसरी इक्वेशन को हमने इक्वेशन टू नाम दिया. जब भी कोई भी आपको इक्वेशन नजर आए, जब इस फॉर्म के अंदर एक इक्वेशन हो दूसरी इस फॉर्म के अंदर हो, तो आपने क्या करना है, इसको फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू इसके फैक्टर्स लेंगे. इनमें से जो है ना आपके पास लीनियर इक्वेशन बन जाएगी. लीनियर इक्वेशन निकालने के बाद इसमें पहले वो दो इक्वेशन बनेंगी, इसमें से निकालने के बाद फिर उसी एक इक्वेशन को इसमें पुट करेंगे, देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ आवर वेरिएबल. तो हमने सबसे पहले क्या करा, इसको नाम दिया इक्वेशन वन और दूसरी इक्वेशन को हमने सेकंड इक्वेशन नाम दिया. अब हमने क्या करना है, इसको सेम रखना है, हमने लेने हैं इसके फैक्टर्स. जो सेकंड इक्वेशन है इसके फैक्टर्स कैसे लेने हैं, जो हमने सीखा है, जो हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने सीखा है कि इसके फैक्टर कैसे लेंगे. सपोज करेंगे आपके लोग इसका जो है कोफिशियंट है टू, इसका कोफिशियंट कोई भी नहीं है तो वन सपोज करेंगे, तो टू वन का टू. ठीक है, अब हमने क्या बनाना है, इसको थ्री बनाना है. तो मुझे टू लेना पड़ेगा माइनस का टू, और माइनस का जो है वन लेना पड़ेगा जब माइनस का थ्री बनेगा. अब मेरे पास है वाई जेड, तो मेरे पास माइनस का टू वाई जेड भी लेना पड़ेगा और माइनस का वाई जेड भी, और यहाँ भी वाई जेड लगा देंगे. तो हमने इक्वेशन के इक्वेशन टू को लिया, इसके हमने बनाया फैक्टर, जो कि फैक्टर को इस मिडिल टर्म को हमने क्या करा, ब्रेक किया है. जो कि आपने मैट्रिक क्लास में सीखा है कि मिडिल टर्म ब्रेक करने का रूल क्या होता है, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, देन वी विल ब्रेक द मिडिल टर्म. तो मिडिल टर्म को ब्रेक करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसको ऐड करेंगे या माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या मिलेगी, मिडिल टर्म. तो इसी वे में हमने क्या करा, इसके फैक्टर्स लिए. तो किस फॉर्म में था, टू वाई जेड एंड माइनस वाई जेड, तो माइनस थ्री वाई जेड हो जाएगा. अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में आपके पास कॉमन है टू वाई, तो आपने टू वाई इधर मेंशन कर दिया. तो टू वाई को वाई स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आप वाई स्क्वायर बने वाई से मल्टीप्लाई करेंगे. अब टू वाई तो कॉमन ले लिया हमने, क्या बचा, डेढ़ यहाँ पर मेंशन हो जाएगा. अब यहाँ देखिए बेटा इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, यहाँ आप देख रहे हैं कि डेढ़ कॉमन है, तो डेढ़ हमने कॉमन ले लिया. वाई माइनस प्लस, अब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस बन जाएगा, तो ये डेढ़ हो गया. अब ये दो टू टाइम ये कॉमन आएगा, तो हमने इसको वन टाइम्स लिखा. अब टू वाई माइनस एड, टू वाई माइनस एड इक्वल टू जीरो. अब देखिए तो हमारे पास क्या आंसर आया, एक दो दो इक्वेशन बनी, दो हमने फैक्टर लिए, दोनों इक्वेशन लीनियर बनी. तो हम क्या करेंगे, इनमें से सेपरेट कर देंगे वेरिएबल, फिर उसमें पुट कर देंगे, देन वी विल गेट द आंसर वाई माइनस एड एंड टू वाई माइनस एड इक्वल टू जीरो. अब देखिए या तो y माइनस एड की वैल्यू जीरो के बराबर है, या टू वाई माइनस एड की वैल्यू जीरो के बराबर है. अब यहाँ देखिए y की वैल्यू इधर माइनस जेड हो रही है, तो उधर जेड को सब शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का. तो हम इससे हमने क्या अंदाजा लगाया कि दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा. y का भी आंसर सेम आएगा और जेड का भी आंसर सेम आएगा. अब हम क्या करेंगे, y इक्वल टू जेड पुट कर देंगे इन इक्वेशन वन में. इक्वेशन वन ये रही. अब जहां पर y स्क्वायर पहले इक्वेशन वन को हमने मेंशन किया, y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 16. ठीक है, अब y स्क्वायर की वैल्यू हमने जो है y की वैल्यू क्या पुट करनी है, जेड पुट कर ली हमने, तो स्क्वायर मेंशन है, स्क्वायर हमने मेंशन किया, स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 16. अब क्या करेंगे, जेड स्क्वायर प्लस टू जेड स्क्वायर इक्वल टू 16. अब टू इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी जाने में जाएगा, तो डिवाइड हो जाएगा, तो टू एट द 16. अब जब हम रेडिकल ये खत्म स्क्वायर खत्म करना है, तो हम क्या लगाते हैं, रेडिकल लगाते हैं. तो हमने रेडिकल लगाया, तो ये हमारे पास इसका रूट जो आएगा वो आएगा टू रेडिकल टू. टू रेडिकल टू आया, जब भी रेडिकल के साथ आप साइन लगाते हैं प्लस माइनस की साइन ये लेकर चलता है आपके पास, तो टू रेडिकल टू क्या, जेड की वैल्यू आ गई.
अब यहाँ देखें y की वैल्यू z के बराबर है, इसका मतलब अगर y प्लस का हो पहले y की वैल्यू आएगी फिर z की वैल्यू, y प्लस का हो वही z की वैल्यू होगी, y माइनस का हो वही z की वैल्यू होगी। तो ये हमारा एक आंसर आया है। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व किया हमने, इसमें पुट किया वन के अंदर, तो हमारे पास एक आंसर आया है। अब दूसरा आंसर कैसे आएगा, अब ये वाला फैक्टर हमें यूज करना है, 2y z, 2y माइनस z इक्वल टू 0। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है वाई की, तो यहाँ पर टू इधर माइनस है, यहाँ शिफ्ट कर देंगे प्लस हो जाएगा, टू मल्टीप्लाई और डिवाइड हो गया, तो इसको हम नाम दे रहे हैं इक्वेशन ए। ठीक है, अब क्या कर देंगे, इसी इक्वेशन को इन इक्वेशन में पुट कर देंगे, इक्वेशन ए को हम पुट कर देंगे वन में, जो कि ये रहे y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू 16। अब y की वैल्यू क्या है आपके पास, z अपॉन टू पुट किया प्लस z स्क्वायर सेम 16 ऐसे ही। अब z स्क्वायर अपॉन 4 प्लस z स्क्वायर इक्वल टू 16। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है बेटा, तो इसका हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, जब भी फ्रैक्शनल नंबर को हम सॉल्व करते हैं तो उसका एलसीएम लिया जाता है। 4 1 4, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे सेम रहेगा, 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 16। अब यहाँ पर 4 हमने फ्रैक्शन खत्म करना है, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 64। हमने मालूम करनी है डेट की वैल्यू ना कि 5 डेट की, तो 5 मल्टीप्लाई कर रहे दूसरी एंड जाएगा तो डिवाइड करेगा। अब रूल लगाएंगे ये रेडी स्क्वायर खत्म करने के लिए, दोनों तरफ रूल लगाएंगे प्लस माइनस का, तो ये हो जाएगा 64/5, इसका प्लस माइनस का सेम 8/5। अब आपकी बुक के अंदर वैसे तो हम ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ पर छोड़ सकते थे, मगर क्या है 64 का रेडिकल लेंगे 8 आता है, ठीक है 5 का रेडिकल नहीं आ सकता, तो होल नंबर में तो इसको ऐसे मेंशन करेंगे हम। अब इसमें रेडिकल 5 को हमने यहाँ पर लेकर आना होल नंबर में आंसर, तो हम क्या करेंगे रेडिकल 5 से मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइड भी कर देंगे, तो क्या आपके पास इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये रेडिकल रेडिकल से दोनों एक ही रेडिकल में आएंगे तो एक रेडिकल से बाहर आ जाएगा, तो डेल्टा की वैल्यू क्या आएगी आपके पास प्लस माइनस का 8 रेडिकल 5/5। और जब प्लस की वैल्यू हम यूज करेंगे तो हमारे सब कुछ पुट करने वाले इक्वेशन मन में पुट करेंगे डेल्टा की वैल्यू प्लस वाली, तो हमारे पास आंसर आएगा 4 रेडिकल 5/5। तो मतलब ये आपके पास वाई की वैल्यू आई और ये डेल्टा की वैल्यू थी, ठीक है, जब प्लस में पुट किया आपने। इसी तरीके से जब माइनस में पुट करेंगे इक्वेशन ए के अंदर, वो इक्वेशन जो ए है आपके पास ये सामने है, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो ये आएगा जेड अपॉन टू, ये जेड की वैल्यू आ गई, ये मल्टीप्लाई हो रहा था, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है बेटा, तो जेड की वैल्यू मैंने पुट कर दी और टू ये 4 2 4 था, ये कैंसिल हो गया माइनस का 4 रेडिकल 5/5, तो बेटा ये आंसर आया, ये वाई की वैल्यू हो गई आपके पास, ये जेड की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो ये आपका जो सॉल्यूशन जो फाइनल आंसर होगा ना, एक तो आपके पास ये रहे दो आंसर और दो आंसर ये रहे, तो बेटा ये फाइनल आंसर है आपका, ये आपकी एक्सरसाइज 3.x जो है इख्तिताम पर खत्म हो चुकी है। इसके मजीद आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, इसको समझें, इसको अगेन एंड अगेन दूसरी वैल्यूज पुट करने के बाद इसको सॉल्व करें, और जब तक आप ये सॉल्व नहीं करें खुद से समझेंगे नहीं ये बेटा, ये थोड़ी आपके कॉम्प्लेक्स ही बनी रहेगी जब तक आप खुद इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। फिर जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर दूसरे टॉपिक जो है दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इसकी मजीद प्रैक्टिस करें, और जो भी कोई मुश्किल पेश आए आपको ऐसा कमेंट आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।